Class 12th, NCERT CBSE, Miscellaneous Exercise Chapter 13, Probability. काफी important exercise है board exam के लिहाज से. 15 number का question मैं यहाँ पर solve कर रहा हूँ. An electronic assembly, कोई भी एक उपकरण है electronic, consist of two subsystem, उसमें दो subsystem है और एक क्या है, A है और एक B है. From previous testing, जितना उन्होंने previous आज तक वहाँ पे test करके देखा है, test करा है, the following probabilities आया है कि P A fail 0.2 और probability B fail alone 0.15. अब आप इसमें confused होंगे कि B fail और B fail alone होता क्या है? पहले मैं आपको यहाँ पर एक Venn diagram के थ्रू बनाकर समझाना चाहूँगा. देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये universal set है, ठीक है? ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर मान लो एक इवेंट है ए, इस इवेंट को मैंने ए मान लिया, ठीक है, और एक इवेंट है बी, इस इवेंट को मैंने बी मान लिया. ओके, अब देखिए सर, बी इवेंट में अगर आप सिर्फ इसी पार्ट की बात करते हैं जो इधर इस साइड है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बी अलोन. बात समझ रहे हैं? वैसे तो बी यहां से यहां तक है ना, बी यहां से लेकर ये पूरा, यहां अंदर भी ये पूरा है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट आपका कहलाता है बी एलोन, ठीक है. अच्छा, ये वाला पार्ट जो यहां बीच में होगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है ए एंड बी, यानी इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट. बात समझ रहे हैं? और जो पार्ट इधर का यहां पर ये वाला सर, जो ये वाला पार्ट होगा, आप उसे क्या कहेंगे? ए एलोन. ये ए एलोन है, मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पे मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे ए एलोन है, ये दोनों का कॉमन हिस्सा है और ये बी एलोन है. तो चलिए चलते हैं. अब हमारे पास डाटा क्या क्या है? पी ए फेल्स इसने दे रखा है, पी बी फेल्स एलोन, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये दे रखा है, और दोनों का कॉमन भी इसने हमें बता रखा है. और इवेल्युएट इसने करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर कहा है, और इवेल्युएट को ये रहा. चलिए फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं. तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ए फेल्स, हमें ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और बी हैज फेल्ड, जब आपका बी भी फेल्ड हो चुका है, वो गिवन है. यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल्ड, दोनों के दोनों फेल हो चुके हैं, यानी कि ए एंड, एंड आप ऐसे लगा सकते हैं, बी फेल्ड, दोनों फेल हो चुके हैं, ठीक है. एक तो ये ऑप्शन आपने लिखना है, और अपॉन में आपके पास क्या है? प्रोबेबिलिटी बी फेल, ये वाला लगाना है, ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल की तो दे रखी है, ए और बी फेल की प्रोबेबिलिटी ये रही कॉमन वाली, लेकिन ये जो गिवन है ये बी फेल एलोन है, बी फेल नहीं है. तो आपको पहले निकालना पड़ेगा यहां पर. तो आप किस तरह से इसको सोल्व करेंगे? यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी फेल्स एलोन, और प्रोबेबिलिटी बी फेल्स एलोन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जो आपकी बी की है, बी फेल की मान लो, बी फेल माइनस जो आपका कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, ये वाला लेंगे. तो आपके पास ये कितना आ रखा है? बी फेल एलोन 0.15 है, और प्रोबेबिलिटी बी फेल की हम यहां निकाल लेंगे, और इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन कितना है, वो भी 0.15 यहां पर गिवन है. तो ये हो गया है 0.15 प्लस 0.15 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी फेल्स. तो हमारे पास हो गया 0.30 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी फेल्स हमारे पास आ गया है. तो यहां पर हम वैल्यूज रख लेंगे. तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई हैं? वैल्यूज आ गई हैं, ऊपर तो आ गया प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल, ए एंड बी फेल को हम यहां पर निकालेंगे, तो वो कितना हो गया आपके पास? ये था 0.15, तो वो हो गया 0.15 अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी फेल कितना? 0.30, दैट इज 15 अपॉन में 30. आप कैंसिल करिए, 1/2 इक्वल टू 0.5. ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब देखिए इसका सेकंड पार्ट. अब इसके सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो है ए फेल्स एलोन की, ए फेल हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप निकालिए. तो प्रोबेबिलिटी ए फेल्स एलोन को हमें निकालना है, ठीक है. तो किस तरह से इसको निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ए फेल्स एलोन इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए फेल्स, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों फेल, यानी कॉमन पार्ट, ठीक है,
ये हम यहाँ पर रख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए फेल्स अलोन निकालने के लिए हम इस तरह से निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी ए फेल कितना है, ये है 0.2, तो यहाँ पर रख लेंगे 0.2, और माइनस जो कॉमन पार्ट है 0.15 हम इसे लिख लेंगे। किस तरह से माइनस करते हैं, 0.20 और 0.15, तो आप इसे माइनस करिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.05, ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी, बी फेल्स एलोन।